Thank you. असलम खालिशुद्दीन आपके साथ पाँच जुलाई की कॉल लेकर और आ, हम बात करेंगे हंड्रेड इंडेक्स में सब पहले आ, इस कॉल में जो हम गुफ्तु करेंगे आ, उससे पहले एक मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैं काफ़ी सारी गुफ्तु ऑलरेडी कर चुका हूँ तो ये स्लाइड्स आपके सामने होंगी तो आप ज़रूर इसको देख लीजिए मगर मैं समझता हूँ मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ उसकी मजीद ज़रूरत नहीं है चाहे रोड शो के हवाले से हो आ, और मैं स्टार्ट लूँगा इस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन से जो मेरे नुक़ नज़र से बहुत अहम है मैं, मैं पिछली वीडियोस में भी ये बात बताता रहा हूँ जब पहली दफ़ा अफग़ानिस्तान के हवाले से बात हुई थी और ख़ान साहब का एक स्टेटमेंट आया तो उसी वक्त मैंने आप लोगों को कोशिश की थी अलर्ट करने की कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ आएंगे स्टेटमेंट बहुत अच्छा है मैंने अप्रिशिएट किया कि ऐसा पाकिस्तानी आई डू सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर उनका बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था बट जो कॉन्सिक्वेंस uh, सामने नजर आ रहे थे उसका तस्करा मैंने किया था फिर वो एफ ए टी एफ की शक्ल में आया अभी हमारे पास और भी तरीक़ेकार हैं आई एम एफ की शक्ल में हमें कोई कहानी सुनने को मिल सकती है तो बहुत सारे तरीक़े हैं प्रेशर डालने के uh, तो मैं ये समझता हूँ कि अजीब अजीब कस्म के, के इल्ज़ाम लग रहे हैं एक ख़बर मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान को कोई चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट के तहत चार्ज करने की कोशिश की जा रही है और ये हमारे जो इस्पोक्स पर्सन है उसके फॉरेन ऑफ़िस के वो उस हवाले से कुछ बात कर रहे थे वो मैं देख रहा था फिर उसके अलावा जो मुसलसल एक बात कही जा रही है और अब अब वाज तौर पर ये चीज़ सामने आ रही है जो इन कैमरा सेशन होता है क्या होता है वो जो अभी हुआ है उसके बाद के जो स्टैब्लिशमेंट और सियासी क़्यादत जो है वो एक पेज पर नज़र आती हैं मौजूदा डिसशन के हवाले से तो यह भी एक बड़ी अच्छी बात है मगर अगेन आ, सिर्फ पॉपुलर स्टेटमेंट दे देना काफ़ी नहीं होता उस पर स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है ख़ौम उसी वक्त बनती है जब स्टैंड लेती हैं और हमारे सामने बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं ईरान ने बड़ा स्टैंड लिया एक दौर में और और भी कई ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने स्टैंड लिया और वो बुरा वक्त काटा उन्होंने और उसके बाद फिर दुनिया को भी रियलाइज़ हुआ तो अभी तक जो स्टेटमेंट आया वो मेरे हिसाब से एक पॉपुलर स्टेटमेंट की हैसियत रखता है और जब तक के हम उस पर खड़े नहीं हो जाते और मतलब हम एक एक इंच पीछे हटने को तैयार ना हो तब जा के बात होगी अभी जो लाहौर मॉडल टाउन केस हुआ और उसमें जो बंदा गिरफ्तार हुआ अभी उसके हवाले से जो ख़बरें आई थी तो उसमें पाकिस्तान का रद्द अमल रिएक्शन बहुत अच्छा था चौबीस घंटे के अंदर अंदर वो बंदा कराची फ्लाई करना था कराची से उसने आगे जाना था पाकिस्तान छोड़ देना था मगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो ये तमाम बातें बहुत अच्छी हैं अब देखना ये कहाँ तक स्टैंड लेते हैं क्योंकि पॉपुलर स्टेटमेंट तो हमने रेमन डेविस के हवाले से भी सुने थे मगर रेमन डेविस को ही नहीं उसकी लैंड क्रूजर को भी हमने इस तरह जाते देखा पाकिस्तान से तो ये एक मेरा पॉइंट है एज अ पाकिस्तानी बट दी कॉन्सिक्वेंस जिसका तस्करा मैंने पिछली वीडियोज में किया था अब वाज तौर पर सामने आ रही है एक चीज़ जो सियासी तौर पर मुझे अजीब व गरीब लगी वो वजीरम की अदम शिरकत थी वो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आई मतलब आई एम टोटली ब्लैंक इन दिस के भाई आखिर इसकी वजह क्या थी और उससे ज्यादा स्टूपिड स्टेटमेंट मुझे फवाद चौधरी साहब की लगी कि पता नहीं वो कुछ शहबाज शरीफ को चार्ज करते हुए नजर आए हालांकि उनके अपने जो दूसरे मिनिस्ट, मिनिस्टर्स हैं उनकी स्टेटमेंट कुछ और थी और मेरे ख़्याल फवाद चौधरी ने ये एक बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए दी कि एक पब्लिक को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए और कोई बात नहीं मगर अहम सवाल अपनी जगह पे ये है मौजूद है कि वज़ी अजम उस ब्रीफिंग में क्यों नहीं थे ये बहुत अहम सवाल है ये मेरी मुझे तो नहीं समझ आया अच्छा जनाब उसके अलावा इस्लामाबाद रिबफ दिल्ली क्लेम अबाउट ड्रोन स्पॉटेड ओवर इंडियन एम्बेसी अब ये अब ये ये सारी बेकार की बातें हैं जो मौजूदा सूरत हाल में डेवलप होंगी कि इंडिया भी कुछ बातें कर रहा होगा आगे से ईरान कुछ कह रहा होगा उधर से अफ़ग़ानिस्तान कुछ कह रहा होगा इस वक्त ख़त्ते में सब परेशान कौन सूरत हाल पाकिस्तान की है जो मैं समझता हूँ उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि अफ़ग़ानिस्तान उसके वजूद की तो बात मैं नहीं करूंगा जब से मैं देख रहा हूं मैंने उसको कभी सुकून से नहीं देखा मैंने अफ़ग़ानिस्तान में कोई अच्छा दौर नहीं देखा तो जब से हम सियासत को देख रहे हैं वहां पर हमने जंग और खाना जंगी और मसाइल देखे और आ, अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये बड़ी अहम चीज़ होती है कि हमारे पास बर्बाद होने के लिए क्या है तो अफ़गानिस्तान के पास आई डोंट नो कि बर्बाद होने के लिए क्या है मगर पाकिस्तान के पास कुछ है पाकिस्तान के पास एक बड़ी पॉपुलेशन है जो सब में अहम तरीन चीज़ है पाकिस्तान के पास वो खा हैं पाकिस्तान के पास वो सलाहियतें हैं जो बहुत कम मुल्कों के पास हैं तो पाकिस्तान के पास बर्बाद होने के लिए बहुत कुछ है तो खुदा न खवास्तः इस कंडीशन में हम नहीं जा सकते तो अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को कंपेयर नहीं किया जा सकता मेरे हिसाब से मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान ज्यादा परेशानी में और एक खबर में पढ़ा रहा था पाकिस्तान इज रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसिस बट विल नॉट परमिट द यू एस टू स्टेब्लिश एनी एयर बेसिस ऑन इट सोयल। द मिलिट्री लीडरशिप इनफॉर्मड में सिलेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द आइल ऑन थर्सडे अच्छा तो बहरहाल इस पर तो हम बात कर ही चुके हैं तो ये जो सियासी सूरत ने ये थोड़ी सी परेशान हैरानको है जिस पर मुझे थोड़ी सी फिक्र लाक है अगर कोई मार्केट में गिरावट की वजह बन सकती है तो एक रीजन वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है अब ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक पे जाऊं तो आ, आ, आप देख सकते हो मार्केट जो है सिर्फ तिरासी पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई है मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट का लो और मार्केट की रिकवरी बहुत अच्छी है छियालीस हजार नौ सौ का लो है और सैंतालीस हज़ार छः सौ छियासी पर मार्केट बंद हुई है वट डज इट मीन सात सात और तकरीबन पौने आठ सौ पॉइंट मार्केट अपने लो से ऊपर बंद हुई है तो ये एक खुशाइन बात है दूसरी बात यह कि जो पिछले हफ्ते की जो कॉल थी अट्ठाईस जून की उसमें क्या कहा गया क्या लेवल्स और ट्रिगर्स दिए गए अब फिर अगेन वो जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाती है तो मैं कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों को आपके पास स्लाइड्स मौजूद हैं मैं फ़ाइल शेयर करता हूँ उसमें पढ़ लें तो अब चलते हैं अगली वीडियो पे और अगली सॉरी अगली स्लाइड पे अगली स्लाइडें मैंने दो आपको चार्ट दिखाए नंबर एक जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से मार्केट में ट्रेड की जानी चाहिए इसमें मैंने आपको वो जगह बताई है जो मैं मुसलसिल ग्रे चार्ट में बताता रहा हूँ फोटी एट थाउजेंड थ्री फिफ्टी नाइन जहाँ पर हमको प्रेशर मिलने जा रहा है अब अगर हम उसका हिसाब लगाएं तो वहाँ से तकरीबन छब्बीस सौ सत्रह पॉइंट की मूव बनती है वहाँ से आ, मार्केट फोर्टीन हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन पॉइंट नीचे आती है फिर ग्यारह सौ अट्ठावन पॉइंट की रिकवरी होती है तो ओवरऑल दो हज़ार छः सौ सत्रह पॉइंट जो है मार्केट मूव बनाती है तो ये आ, इस हवाले से मैंने एक बात यहां पर लिखी है आ, कि इफ अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अपीयर्स डोंट पुल डाउन द शेड बहुत अहम बात है ये कि अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी और आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे या आप उससे मुंह मोड़ लेंगे तो नुकसान हमारा है और किसी और का नहीं है ये ग्रे चार्ट में मैंने सिर्फ यही दिखाने की कोशिश की है मुसलसल बताता रहा फिर मार्केट वहां से नीचे आई अगर नहीं ली एग्जिट तो एंट्री भी नहीं ले सके अगर इंट्री ले ली तो ग्यारह पॉइंट मिल गए एग्जिट ले ली तो 1459 पॉइंट नीचे आ गए तो तकरीबन छब्बीस सत्ताईस पॉइंट तो जस्ट इन द मैटर ऑफ 12 सेशन 12 सेशन में बहुत होते हैं 12 सेशन में इतनी बड़ी मूव और यही वजह है कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स का वो बहुत ज्यादा होने की मेजर वजह यही है खैर जनाब इंटराडे uh, चार्ट जो नीचे दिया गया है उसमें आप देखें तो फ्राइडे के हवाले से जिस तरह बताया गया कि आपको uh, सब में पहले uh, के अड़तालीस हज़ार एक सौ ग्यारह अड़तालीस हज़ार अट्ठावन हमारा टारगेट है वो अचीव हुआ और वो पहले ही सेशन uh, में अचीव हो गया जब वो अचीव हो गया था तो मैंने uh, इसीलिए आपको मिड डे कॉल वक्त से एक घंटा या पौन घंटा पहले दे दी और मैंने कहा कि अब कोई रिग्रेट नहीं है अड़तालीस हज़ार अट्ठावन पर एग्ज़िट होनी चाहिए तो अगर आपने एग्ज़िट ली है तो अच्छा किया है और फिर 114 पॉइंट के नुकसान के साथ हमने मार्केट को बंद होते देखा और अगर आप हाई से देखें तो 48,079 का हाई और 48,637 का लो कितने पॉइंट बन गए कमो बेश चार चार साढ़े चार सौ पॉइंट तो साढ़े चार सौ पॉइंट की मूव आपको यहाँ मिल गई अगर आपने एग्जिट ली है अब यहाँ कोई स्टॉक अगर आप बाय करते होकेमलेट करते हो, हो खासतौर पर वो स्टॉक जिसका बुलिश मोमेंटम बाकी है इंडेक्स प्रेशर से थोड़ा बहुत नीचे आया है तो वो स्टॉक आपको कल सुबह प्री ओपन में ही प्रॉफिट दे देगा और ये सब उसी वक्त होगा अगर एग्जिट ली होगी बहरहाल लास्ट सेशन वर्सेस द गिवन कॉल जो हमारी स्लाइड है उसमें मैंने यही सब कुछ बताया है जो आपसे अभी बातें कर रहा हूं अब चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटेजीज एज पर टेक्निकल चार्ट की तरफ देखिए जनाब इंडेक्स मुझे अब ऐसा लगता है कि दोबारा एक्यूमलेशन की बात कर रहे हैं बजाय इसके कि हम कोई एक्साइटमेंट की बात करें हमें बैकफुट पे एक्यूमेलेट uh, करना चाहिए क्योंकि जब मैं स्क्रिप्ट कॉल अभी कर रहा था अभी कंप्लीट तो नहीं हुई है इन कल कल तक हो जाएगी तो उसमें भी मैंने देखा कि बहुत कम स्टॉक ऐसे नज़र आए मुझे जो फौरी गेंद दिखा रहे हैं जो इंट्राडे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादातर स्टॉक मुझे वो नजर आए जो एक्यूमलेट होते हुए नज़र आए और यही सूरत हाल इत्तफाक़ से मैं इंडेक्स कॉल पर दे चुका हूँ मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इंडेक्स कॉल आपको वीडियो लेट अपलोड हो रही है वैसे तो ये कॉल पे हमारा काम कल हो चुका था और तो बहरहाल मेरा मानना ये है कि आप लोगों को जो जुमे को मिड डे कॉल पे मैंने पुश किया एग्जिट के लिए उसकी वजह यही थी कि मुझे ऐसा लगता था कि जब एक मंथखी टारगेट तक इंडेक्स हो या स्टॉक हो पहुंचता है तो वहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट टेकिंग को इग्नोर किया ही नहीं जा सकता तो अड़तालीस हज़ार अट्ठावन से अड़तालीस हज़ार एक सौ ग्यारह तक जब हमारा एक मंतखी टारगेट था तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम उस टारगेट तक जाएं और फिर वहाँ से नीचे आना शुरू हो जाए इंडेक्स और हम बैठे तमाशा देखें ये सवाल ही नहीं पैदा होता हाँ अगर अड़तालीस हज़ार एक सौ ग्यारह के नीचे ऊपर वो ट्रेड करता तो फिर हम अड़तालीस हज़ार अट्ठावन के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल करके उसको चेस कर लेते ये तो एक पॉसिबिलिटी थी पिछली वीडियो में जिस तरह मैंने कहा है कि ट्रेडिंग एक साइंस है बट सिंपल साइंस तो इस साइंस को हमें समझना होगा खैर बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि मार्केट के पास एक स्ट्रांग रजिस्टिंग एरिया पैदा हो गया है अड़तालीस हजार अट्ठावन से लेकर अड़तालीस हजार एक सौ सत्तर तक ही तकरीबन एक सौ दस बीस पॉइंट बनते हैं और इस पूरे एरिया में शरीद रजिस्टेंस पाई जाती है तो अगर इस एरिया से मार्केट बाहर निकलेगी तो मार्केट के अंदर जो एक धुंध है जो डिप्रेशन की धुंध है वो वाइप ऑफ हो सकती है वरना नहीं हो सकती अहम तरीन बात तो वैसे अगर इंट्राडे ट्रेडर की बात करूं तो मैं तो उनसे कह रहा हूं सैंतालीस हजार आठ सौ दो के ऊपर ऑप्टोमिस्टेक रहें कोई बुराई नहीं है ऑप्टोमिस्टेक रहना चाहिए बट फॉर द शॉर्ट टर्म मूव और उस शॉर्ट टर्म मूव का जो अटमोस्ट टारगेट क्या है अड़तालीस हजार अट्ठावन से लेके अड़तालीस हजार एक सौ सत्रह तक का एरिया जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टिंग एरिया है और जो नई रैली बनती है वो इस एरिया के ऊपर बनती है उससे पहले नहीं बनती ठीक है सिंपल एंड क्लियर तो सैतालीस हजार आठ सौ दो के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है तो फिर इस रजिस्टिंग एरिया की तरफ जाती है और रजिस्टिंग एरिया को अगर तोड़ दे तो फिर हम मार्केट को अड़तालीस हजार चार सौ इक्कीस तक भी देख सकते हैं अब यहां पर आ जाते हैं हम अपनी आखिरी स्लाइड पर रिस्क मैनेजमेंट पे रिस्क मैनेजमेंट किस तरह करेंगे सब में पहले तो इस बात को जहन में रखना है कि जो प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला फ्राइडे को शुरू हुआ वो एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग नहीं है नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग से मतलब मतलब एक होता है ना कि मार्केट ने अगर 400 पॉइंट ऊपर लिए हैं तो 100 डेढ़ सौ पॉइंट रिट्रेस हो जाते हैं और एडजस्टमेंट हो जाती है तो ये एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग होती है मगर वो नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग नहीं थी क्यों नहीं थी इसलिए कि वो अपने मनतकी टारगेट को हासिल करने के बाद प्रॉफिट टेकिंग कर रही है तो इसलिए वो नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग नहीं है वो जस्टिफाइड प्रॉफिट टेकिंग है बहुत जस्टिफाइड है ठीक है जी तो लिहाजा एन मुमकिन है जुमे का एग्जॉस् हम कंटिन्यू होता देखें आने वाले सेशन में अगर ऐसा होता है तो वो वाज तौर पर नजर आएगा वो किस तरह सैंतालीस हजार छह सौ पंद्रह के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है तो फिर ये आपको वाजह तौर पर नजर आएगा ठीक है जी और मैं ये समझता हूं कि सैंतालीस हजार चार सौ नब्बे तोड़ अगर ये मार्केट तोड़ दे तो मुझे एग्रेशन ऑफ बियर नजर आता है एग्रेशन ऑफ वियर सही मानों में एग्रेशन वो होगा जब वॉल्यूम भी उसी तनासुब से बढ़े कि प्रेशर भी इंडेक्स में आ रहा हो और वॉल्यूम भी बढ़ रहा तो वो एग्रेशन ऑफ वियर होगा और एग्रेशन ऑफ वियर या जब एग्रेशन आएगा वॉल्यूम के साथ तो उसका उसकी एक फायदा और होता है कि बियर्स के एग्जॉस्ट होने के चांसेस भी होते हैं अगर मार्केट गिरती रहे और वॉल्यूम ना पैदा हो तो फिर उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट जो है ज्यादा टाइम के लिए नीचे जाने की पॉसिबिलिटी पैदा करती है बहरहाल ये सारी टेक्निकल चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं जो हमारे एक्सपीरियंस में आता है तो सैतालीस हजार चार सौ नब्बे के नीचे एग्रेशन बढ़ जाएगा फिर सैंतालीस हजार तीन सौ पच्चीस के नीचे समझ लीजिए एग्रेशन डबल हो सकता है तो ये तमाम लेवल्स को आपको समझना है याद रखना है और ये लेवल काम आएंगे शॉर्ट करने के लिए यहां मैं कोई लॉन्ग करने के लिए नहीं कह रहा आपको मैंने कतई तौर पे ये नहीं कहा है कि आप स, चार सौ नब्बे टूट रहा है आप लॉन्ग कर दें नहीं 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 मैं ये ये लेवल आपको काम देंगे अगर आप शॉर्ट में जाएंगे क्योंकि लॉन्ग की तो बात हो गई कि सैंतालीस हजार आठ सौ दो के ऊपर हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे वरना नहीं रहेंगे बात खत्म हो गई और ये बात दूसरी बात कह दी गई सैतालीस हजार छः सौ पंद्रह के नीचे प्रेशर टू कंटिन्यू जब प्रेशर कंटिन्यू है तो मैं लॉन्ग क्यों करूंगा कोई नो क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग हाँ एक्यूमिलेशन अपनी जगह पे है क्योंकि एक्यूमिलेशन में जो हम जाते हैं तो हम उसी दिन गेन की बात नहीं करते हम एक्यूमिलेट करना शुरू करते हैं आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों वो हमें प्रॉफिट देती है अगर वो परसों प्रॉफिट दे रही है तो परसों मार्केट के सेंटिमेंट में तब्दीली हो सकती है ना इंडेक्स हो सकता है बेहतर परफॉर्म करे तो जब इंडेक्स बेहतर परफॉर्म करना शुरू करेगा तो जिन स्टॉक को एक्यूमिलेट करने के लिए कहा सब में पहले सब में ज्यादा गेन वही स्टॉक देंगे अच्छा जनाब तो रिस्क मैनेजमेंट पे बात हो रही थी तो जिस तरह मैंने बताया कि जब तक मार्केट सैतालीस हज़ार आठ सौ दो के नीचे ट्रेड कर रही है इसके अंदर डिप्रेशन मौजूद है तो मज़ीद इसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहना तो ये जो ट्रिगर्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको डायरेक्शन समझने में बहुत मदद देंगे समझिए उनको उसके हिसाब से अपना एक्शन प्लान बनाइए और आखिरी बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि पॉलिटिकल वॉलीटैलिटी को इग्नोर मत कीजिए जो पाकिस्तान के खारजा आ, क्या कहना चाहिए जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनको देखें ख़त्ते की सूरत हाल को देखें इकोनॉमी को देखें बजट में बताए गए अच्छे अच्छे नंबर्स के बारे में सोचें कि उनके नतज क्या सामने आते हैं तो कोई बहुत बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर्स हमारे सामने क़तई तौर पर नहीं है कोई पॉजिटिव इंडिकेटर हो तो अगर मार्केट डिप्रेस भी हो तो मार्केट में बेहतरी आ सकती है मगर इस वक्त मुझे कोई पॉजिटिव इंडिकेटर्स भी नज़र नहीं आ रहे ठीक है जी तो ऐसी सूरत में जो एग्ज़न 200 पॉइंट की होती है और अगर इस्तेकाम नहीं हो होकॉनमी में और सियासी इसकाम ना हो तो वो 200 पॉइंट के बजाय 600 पॉइंट में मार्केट गिर सकती है तो लिहाजा दिए गए ट्रेगर्स की बड़ी तोजह दें बड़े नुकसान का हिस्सा ना बने दुआ करूँगा कि अल्लाह तला आपको बहुत कामयाब करे और सेहतमंद रखें हमारे लिए भी दुआ फरमाइए बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़